नमस्कार। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में सरसों का साग और मक्की की रोटी मिल जाए तो क्या कहना। हेल्दी, टेस्टी, ट्रेडिशनल खाना जिसे खाकर हर कोई हो जाए दीवाना। मक्की की रोटी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने अपनी रेसिपी वीडियो में दिखाया है, आप ज़रूर देखिए। और साथ में सरसों का साग जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सरसों की एक जोड़ी और पालक बथुए की आधी आधी जोड़ी। इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है। इसमें डालने के लिए 2 इंच अदरक लेंगे। अब सभी पत्तेदार सब्जियों को हम अच्छे से धोएंगे। पत्तेदार सब्जियों को बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी होता है। इन्हें अच्छे से धोने के बाद हम निकालेंगे और इन्हें प्रेशर कुक करेंगे। इसमें अदरक को कद्दूकस करके डाल देना है। इस तरह से 10 मिनट के लिए हम प्रेशर कुक करेंगे। 10 मिनट होने के बाद में खोलने के बाद हम देखिए इस तरह से इसे मैश करेंगे। किसी भी चीज़ से आप मैश कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैश करते जाना है और स्लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर उससे उतना अच्छा स्वाद नहीं आता। पर वह भी एक उपाय है इंस्टेंट साग बनाने का। इस तरह से इसे मैश करते चले जाएंगे और गैस को चालू रखेंगे। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है। अब हरे प्याज लेंगे 2 और 10 के करीब हम लहसुन की कलियां लेंगे और 2 हरी मिर्च लेकर इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मसाला डालने से सरसों के साग का स्वाद चला जाता है, इसी हम मसाले सब थोड़े कम ही डालेंगे। परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है इसका। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। हरे प्याज और लहसुन का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था हरी मिर्च के साथ, वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास हरे प्याज नहीं है तो आप एक नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से सेकेंगे इस तरह से कि तेल छूट जाए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। जैसे ही तेल छूटेगा वैसे हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से इसे हिला देंगे। जैसे ही तेल छूटने लगे हम इसमें साग डाल देंगे। अच्छे से हिलाएंगे और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह से बराबर मिलाकर इसे पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून आटा डालेंगे, गेहूं का और या फिर मक्की का आटा, जो भी आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें गेहूं का आटा ही डाला है, उसका मुझे एक अच्छा स्वाद आता है। अच्छे से इसे मिलाएंगे, इससे इसकी इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और एक अच्छी सी खुशबू आती है आटा डालने से। 5 मिनट और अच्छे से इसे पकाएंगे। और देखिए हमारा सरसों का हरा साग तैयार हो चुका है। चलिए इसे खाने के लिए अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाना बहुत आसान है। 1 कप मक्की का आटा लेंगे हम। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब उबलता हुआ पानी हम 1/4 कप लेंगे आवश्यकता के अनुसार। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते चले जाएंगे। इस तरह से इसे मिलाएंगे। चम्मच से मिलाना है क्योंकि ये बहुत गर्म पानी के साथ में गूंधा जाता है।
इस तरह से अगर आप बनाएंगे मक्की की रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे हाथ से गूंदेंगे इस तरह से। ज़्यादा देर तक गूंदने से रोटियां बहुत मुलायम बनती हैं। अच्छे से हो जाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे एक तरफ रख देंगे। 5 मिनट के बाद में वापस से हम इसे गूंदेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। इसको हम एक अलग तरीके से बनाना सिखाएंगे। गीले कपड़े को निचोड़कर कॉटन के उसके ऊपर हम इसे रखकर हाथ से ही घुमाएंगे, चकले से नहीं घुमाएंगे। हाथ से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए बनाते चले जाएंगे। मक्के की रोटी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अब गरम तवे पर हम इस तरह से इसे पलट देंगे कपड़े के साथ। देखिए कितनी आसानी से मक्की की रोटी बनकर तैयार होने वाली है। इस तरह से पलटेंगे इसे गैस पर, नहीं तो तवे पर, कैसे भी आप इसे सेक सकते हैं। धीरे धीरे ये फूलने लगेगी। ये देखिए क्रिस्पी मक्की की रोटी तैयार है। हमारी मक्की की रोटी और सरसों का साग बनकर तैयार है। सर्दियों में सबके मन को भाने वाला सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।